बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। तो आज जिस घर के बारे में हम आप दोस्तों से बात करेंगे, ये जी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सिंध से, उनकी रिक्वायरमेंट पर जी ये घर हमने डिज़ाइन किया है। तो अगर जी सेम इसी तरह का आप भी घर डिज़ाइन करना चाहते हो तो कोशिश करें कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस घर की मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों को मिलेगी, मेन चीज़ जी इसके ऊपर आपका खर्च कितना आएगा। तो किसी भी किस्म का जी अगर आप भी घर डिज़ाइन करवाना चाहते हो तो ये रहेगा जी हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह जी नहायत ही कम प्राइस के ऊपर हम आप दोस्तों को आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर घर डिज़ाइन करके देते हैं। तो अगर जी इस घर की मुकम्मल चौड़ाई की बात करें, 60 फुट जहाँ तक ये घर डिज़ाइन किया गया, 42 फुट यानी कि इस घर का जो कवर एरिया है वो 9 मरले के ऊपर मुश्तमल है। बाकी जी फ्रंट के ऊपर ये ओपन हिस्सा आप चेकआउट कर सकते हो। तो सामने जी दो स्टेप डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसके आगे जी ये बरामदा आप चेकआउट करें, नहायत ही आसानी के साथ जी जब आप इस तरह का बरामदा डिज़ाइन करेंगे, इंशाल्लाह जी हर तरह से ये बरामदा आपका नहायत ही खूबसूरत नज़र आएगा। किस तरह जी इस पर आपने काम करना है, खासकर जी इसके जो ये पिलर हैं 13 इंच चौड़ाई के ऊपर मुश्तमल है। इसके आगे जी 3 इंच की काछा आपने डिज़ाइन करनी है, जो नीचे से लेकर जी ऊपर तक आप चेकआउट कर सकते हो। इस साइड के ऊपर जी 5x6 फुट के ऊपर ये विंडो डिज़ाइन की गई है। तो इसके ऊपर जी ये पर्दा भी आप मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो। अगर जी सेम इसी तरह का आप भी पर्दा डिज़ाइन करते हो तो इंशाल्लाह जी हर तरह से ये पर्दा आपका नहायत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ज़्यादातर जी इसमें स्टील की ग्रिल का इस्तेमाल किया गया। तो एक पैप जी इस पर्दे के ऊपर ये आप चेकआउट कर सकते हो, तो 3 पैप जी इसके ऊपर लगेंगे। तो अगर इस पर्दे की मुकम्मल हाइट की बात करें तो ये जी 4 फुट 6 इंच के ऊपर मुश्तमल है। खासकर जी साइड के ऊपर जो ये पिलर डिज़ाइन किया गया है, अगर इसकी मुकम्मल चौड़ाई की बात करें 18 इंच, जिसके बीच वाले हिस्से में जी 4.5 इंच की जरी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सेम एक साइड से लेकर जी दूसरी साइड तक इसी तरह ही इसके ऊपर काम किया गया। बीच वाले हिस्से में 3 टाक डिज़ाइन किए गए हैं, इसके आगे भी ये 4.5 इंच की जरी डिज़ाइन की गई है, और ग्रेल की मदद से जी बीच वाले हिस्से में ऊपर से इसकी गुलाई की गई है। तो इस साइड के ऊपर दीजिए आप इसकी ममटी चेकआउट कर सकते हो। अगर जी इस ममटी की मुकम्मल चौड़ाई की बात करें, 8 फुट के ऊपर मुश्तमल है, और जो लंबाई है वो जी 13 फुट। इस साइड के ऊपर जी ये विंडो आप चेकआउट कर सकते हो, और इस साइड के ऊपर जी आपको डोर मिलेगा। तो ऊपर वाला पोर्शन भी आप जी इस घर का मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह जी इसके ऊपर काम किया गया है। खासकर जी ऊपर वाले हिस्से में एक साइड के ऊपर ये बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो। अगर बेडरूम की मुकम्मल चौड़ाई की बात करें, 16 फुट 9 इंच, अगर लंबाई की बात करें तो वो जी 13 फुट के ऊपर मुश्तमल है, और इतनी ही पैमाइश के ऊपर इसके आगे जी ये बरामदा आप चेकआउट करें तो इसके ऊपर भी नहायत ही खूबसूरती के साथ ये पर्दा डिज़ाइन किया गया। अगर इस पर्दे की मुकम्मल हाइट की बात करें तो ये पर्दा जी 4 फुट के ऊपर मुश्तमल है। साइड के ऊपर जी ये बाथरूम आप चेकआउट कर सकते हो, जो इसका डोर है वो इस बरामदे के अंदर से दिया गया है, और इसके ऊपर जी ये पानी वाली टंकी भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक साइड के ऊपर जी स्टेयर भी आप चेक करें कि किस तरह जी इसके ऊपर काम किया गया। तो चलें जी अभी चलते हैं इस घर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह जी इस पर आपने काम करना है। बगैर छत के जी ये घर आपको इस तरह नज़र आएगा, आप जी इसको मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो। खासकर जी फ्रंट के ऊपर इसका ये ओपन बरामदा डिज़ाइन किया गया, 4 डोर जी इसमें आप चेकआउट कर सकते हो, और इस बरामदे की जो मुकम्मल चौड़ाई है 46 फुट 9 इंच, अगर लंबाई की बात करें तो वो जी 13 फुट के ऊपर मुश्तमल है, और इस साइड के ऊपर जी इसी बरामदे के सामने आप ये स्टोर चेकआउट कर सकते हो, जिसकी मुकम्मल चौड़ाई 11 फुट के ऊपर मुश्तमल है, अगर लंबाई की बात करें तो 9 फुट 6 इंच, और इसके आगे जी ये पहला बेडरूम आप चेक करें, जिसकी मुकम्मल चौड़ाई 11 फुट, अगर लंबाई की बात करें तो 16 फुट 9 इंच के ऊपर मुश्तमल है। और बैक साइड के ऊपर जी ये 3 बेडरूम डिज़ाइन किए गए हैं, इन दोनों की जो मुकम्मल चौड़ाई है वो जी 16 फुट 9 इंच, अगर लंबाई की बात करें तो 13 फुट। इसके आगे जी ये 2 बाथरूम आप चेकआउट कर सकते हो, एक इस बेडरूम के साथ अटैच दिया गया, दूसरा जी इसके साथ आप चेकआउट करें। अगर जी इन बाथरूमों की मुकम्मल चौड़ाई की बात करें तो 6 फुट के ऊपर मुश्तमल है, और जो लंबाई है वो जी 6 फुट 3 इंच। इसके आगे जी ये 3रा बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो, जो 16 फुट 6x13 फुट के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। तो इसके आगे जी ये किचन भी आप चेक करें, जिसकी मुकम्मल चौड़ाई और लंबाई 10x13 फुट के ऊपर मुश्तमल है। तो बांध की शक्ल में जी ये बरामदा आप चेकआउट करें, 36x13 फुट के ऊपर जी इसको डिज़ाइन किया गया, और फ्रंट के ऊपर जी एक ही डोर आप चेकआउट कर सकते हो, साइडों के ऊपर जी 4x5 फुट के ऊपर 2 विंडो ऐड की गई हैं। तो अगर जी इन दरवाज़ों की मुकम्मल चौड़ाई की बात करें, 4 फुट 7 फुट
और जो इसमें मुकम्मल विंडो ऐड की गई हैं 4x5 फुट के ऊपर जी, इनकी पैमाइश है बैक साइड के ऊपर जो ये विंडो लगाई गई हैं, और साइडों के ऊपर जी इनकी मुकम्मल चौड़ाई और लंबाई 5x6 फुट के ऊपर मुश्तमल है। तो अगर जी इस घर के ऊपर मुकम्मल खर्च यानी कि कॉस्ट की बात करें, तो अगर जी सेम पाकिस्तान में रहते हुए आप इसी तरह का घर डिज़ाइन करते हो तो 65 लाख में जी ये घर आपका इंशाल्लाह मुकम्मल डिज़ाइन होगा डबल फ्लोर तक, जिस तरह जी ये घर डिज़ाइन किया गया। तो उम्मीद है वीडियो दोस्तों को पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।